सामने जो आप पिलर पर देख रहे हो ये वायु देवता है और उनका जो वाहन है हिरण आप देख सकते हो, क्योंकि हिरण जो है हवा की तरह तेज भागता है, इसके लिए उनका वाहन भी आप देख सकते हो, हिरण आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस मंदिर को इतना परफेक्ट, इतना ज्योमेट्रिक, मतलब वो गणित लगा के बनाया। अगर इस मंदिर के ये जो स्वर्ग मंडप के आप मिडल में खड़े रहते हो, तो जो हमारे हिंदू धर्म में तीन मेन देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप यहाँ पे खड़े होके उनके दर्शन कर सकते हो। अगर मैं अभी बीच में मिडल में खड़ा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप ब्रह्मा जी देखने के लिए मिलेंगे, जो ये अर्थ और ये दुनिया के क्रिएटर है। और सामने आपको महेश जी देखने को मिलेंगे, जो भोलेनाथ का अंदर शिवलिंग है, जिनको डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, मतलब विनाश के देवता। और यहाँ पे आप अगर अपना नज़र घुमाओगे तो यहाँ पे आपको विष्णु जी दिखाई देंगे, जो कि दुनिया के पालनहार है, दुनिया को पालते हैं। तो इस तरह से मंदिर को इतना दिमाग से 1000 साल पहले बनाया है कि आप सोच सकते हो कि इधर पे आप मिडल में खड़े रहोगे तो तीनों देवता के आप दर्शन कर सकते हो। मंदिर के अंदर एक पिलर पर आप कार्विंग देख सकते हो, और जो आज के डेट के बच्चे, आज के डेट के जो पीढ़ी है, उनके ऊपर ही ये कार्विंग किया गया है 1200 साल पहले। इसमें बताया गया ये है कि ये जो कछुआ रहता है, इसको बकबक करने की बहुत आदत रहती है। जैसे आज के बच्चे बकबक करते ना, बड़े लोग की बात नहीं सुनते। तो ये यहाँ पर नदी रहता है, तो नदी में बाढ़ वगैरह आता है तो जितने भी जो पंछी वगैरह रहते, चिड़िया वगैरह रहते, वो उड़ जाते। जितने भी जो जानवर नदी के आसपास रहते वो चले जाते, पर ये कछुए को बकबक करने की बहुत आदत रहती है। तो ये जो दो पंछी रहते हैं, ये कछुए को बोलते हैं कि मुंह में तू एक लकड़ी अपने डाल और हम तेरे को सेफ जगह पे लेके चलते, और जब लेके जाएंगे तो तू कुछ बकबक नहीं करना, जैसा तेरी आदत है। तो उसने बोला ठीक है, तो वो मुँह में एक लकड़ी डालता है और दो चिड़िया लोग उसको उठा के, मतलब सेफ जगह पे लेके जाते। पर वो आदत से मजबूर था, उसको बकबक करने की आदत थी, तो उसने जैसे कुछ बोलना चाहा, वो धड़ाम से नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो ये एक जानवर है, उसका ये शिकार बन गया। तो बोलने का मतलब ये है कि बड़ों के सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, उनकी बात हमेशा सुननी चाहिए। मंदिर के अंदर जितने भी आप पिलर वगैरह देखोगे ना, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्विंग और उसमें बहुत सारे मैसेजेस, मतलब छुपाए हुए हैं। अगर उसको डिकोड करोगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा। मैं एक दो आपको बता देता हूँ, पूरा तो नहीं बता पाऊँगा। ये जो सामने आप पिलर पे देख रहे हो, पहले तो देखो कार्विंग कितना परफेक्ट तरीके से किया है, मतलब एकदम शाइन कर रहा है। ये जो पत्थर है वो भी 1200 साल पहले। इसमें देखो आपको ये बंदर देखने के लिए मिलेगा, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंगो है, आम है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये तोता देखने के लिए मिलेगा, जो मैंगो मतलब खा रहा है, मतलब खाने के लिए उतावला है। और ये देखो, इसने अपने मुंह में मैंगो को डाल भी दिए। और ये जो आप एक सामने आइडल देख रहे हो कार्विंग, ये गरुड़ देवता है इंसान के रूप में। आप उनकी हेयर्स वगैरह देख सकते हो, कितने परफेक्ट तरीके से बना है। और एक आपको विंग्स भी देखने के लिए मिलेगा, उनके हाथ वगैरह, फिंगर। और ये मात्र मेरे ख्याल से 6-7 इंच का होगा, और इतने ही छोटे में इन्होंने ये परफेक्ट तरीके से ये कार्विंग बना दिए। देख सकते हो एक एक चीज़, उनके जो अलंकार है, जो ज्वेलरी है, आप परफेक्ट तरीके से देख सकते हो, जो उन्होंने पैर में पहने, मतलब ये सब छेनी हथौड़ी का मेरे को नहीं लगता है कमाल है। कुछ भगवान का चमत्कार ही होगा, तब जाके ऐसे कार्विंग बने होंगे। बाकी मंदिर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि ये देखो सामने आप देख सकते हो इनके अलंकार, जो इनके ज्वेलरी आपको कितना देखने के लिए परफेक्ट तरीके से, कितने मस्त, मतलब तरीके से बनाया है।
जब हम बात करते हैं ना भारत का गौरवशाली इतिहास, तो ये जो आप मूर्ति वगैरह और ये जो पिलर्स वगैरह देख रहे हो ना, यही गौरवशाली इतिहास था। क्योंकि 1000 साल पहले जब लोगों को भोजन में क्या खाना है, हमें खाने में क्या खाना है, वो तक नहीं पता था, तब हमारे जो पूर्वज पहले के हिंदू लोग थे, उन्होंने ये पत्थर पर पूरा उकेड़ दिया था कार्विंग। आप एक एक चीज़ ज्वेलरी के देख सकते हो, आपको परफेक्ट तरीके से एकदम दिखाई देगा ये अलंकार, एक एक चीज़ बारीकी से। इसमें आप ये रुद्राक्ष देखो कितने परफेक्ट तरीके से एकदम बना है, और इसमें दिख भी रहा है कि ये रुद्राक्ष है। बाकी आप टेम्पल देख सकते हो, ये जो आप एक देख रहे हो सामने, ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है, आइडल है, उनकी आइडल इस पिलर पे बनाया है। पिलर पर एक आप आइडल देखो, इसमें उसके तो पहले हेयर्स देखो कितने परफेक्ट, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। उसने ये ढोलक लिया है, ढोलक मतलब बजा रहा है, और देख सकते हो ढोलक बजाने के लिए उसने अपना हैंड ऊपर उठाया है, और ये थिरकने के लिए, पाँव जब थिरकता है ना ढोलक बजाते, तो इसने अपना ये जो पैर एक ऊपर उठाया है, और फिर एक मतलब पैर नीचे पटकेगा जब ये ढोलक बजाएगा। जैसे हम कुछ बजाते तो पाँव अपना हिलाते ना, तो कुछ इस तरह, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो हम इमेजिन नहीं कर सकते वो इस पे कार्विंग करके पत्थर पर दिखा दिया गया है। टेम्पल में आपको थोड़े बहुत काम इनकम्प्लीट भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस पे ये जो फूल वगैरह का डिज़ाइन बना है आपको इनकम्प्लीट देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने बस स्केच करके ऐसे ही छोड़ दिया है ऊपर ऊपर से, बट इसको मतलब कटिंग नहीं किया। अगर इसको और कटिंग करते तो और अच्छा लगता था, बट पहले के टाइम पे युद्ध वगैरह होते थे तो सब छोड़ के चले जाते रहेंगे। और यहाँ पे ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना जाली, कितना मतलब मस्त डिज़ाइन इस पे आपको देखने के लिए मिलेगा, फूल वगैरह कैसे बनाया इस पे, इसके ये सब कैसे कटिंग किया है पहले के टाइम पे। और ये जाली अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊं तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। टेम्पल के काफ़ी सारे आइडल तो तोड़ चुके, पर एक मैं आपको आइडल दिखाता हूँ, ये भी तोड़ चुके, पर ये आइडल में आप देख सकते हो कि किस तरह बारीकी से एकदम मतलब इसको बनाया रहेगा पत्थर को कटिंग करके, देख सकते हो मतलब कितना दिमाग लगाया रहेगा इसको बनाने के लिए, क्या क्या सोच के बनाया रहेगा। देख सकते हो आप टेम्पल में कितने सारे काम, मतलब थोड़े थोड़े बहुत काम इनकम्प्लीट है। इसमें देख सकते हो आपकी स्केच कैसे ये बना के, स्केच बना के छोड़ दिया है, बाकी इस पर कार्विंग वगैरह नहीं किया है। मंदिर के एंट्रेंस पे आप देख सकते हो कितना खूबसूरत तरीके से इस पर डिज़ाइन बनाया है, और ये एक बेसाल्ट पत्थर है, इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। आपको मैंने बाहर दिखाया ना वीडियो में कि वो मुस्लिम लोगों ने इस पत्थर को तोड़ नहीं पाए, तो आखिर इस पर कार्विंग कैसे किया रहेगा 1000 साल पहले। देख सकते हो आपको इस पर शंख वगैरह देखने के लिए मिलेगा, बहुत पवित्र मानते हिंदुज़म में शंख को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अजगर देखने के लिए मिलेगा, क्रोकोडाइल, इसके टीथ वगैरह आप देख सकते हो कितना परफेक्ट तरीके से दिखाया गया है, इसकी लंबी जीभ भी आप देख सकते हो, और ये पूरे पत्थर पे ही उकेड़ दिया है। क्योंकि हमारे पहले के लोगों को पता था कि कोई ऐसे लोग आएंगे जो हमारे टेम्पल्स को तोड़ेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, पर ये शंख को आखिर कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि यही सब तो हमारा सिंबल है ना, ये सबको बहुत पवित्र मानते हैं, पूजा वगैरह होती है तो शंख हमेशा रहता है। और देख सकते हो कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, और ये